अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़िकार हुसैन खान और आप देख रहे हैं केएनएन सिटी न्यूज़ हर शख्स पर नज़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से इंदिरा पार्क धरना चौक के पास महाधरना मुनक़िद किया गया है। कसानी ज्ञानेश्वर मुदिराज जो तेलंगाना स्टेट पार्टी के सदर है, प्रेसिडेंट है तेलुगु देशम पार्टी से, और अरविंद कुमार गौड़न्ना इल्लों की सदारत में आज ये महाधरना किया गया और कसीर तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत हुए हैं। और ये धरना मुनक़िद करने की वजह केसीआर के जो नाकामियां हैं, केसीआर के जो फेल्यूर्स है, उस चीज को बताने के लिए वो हर कम्युनिटी की तरफ हो रहा है। वो एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी हर एक की तरफ हो रहा है, बिलखसूस मुसलमानों के लिए। केसीआर ने बहुत ज्यादा धोखेबाजी की है, बहुत ज्यादा हक तलफी की है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, बिलखसूस मुस्लिम माइनॉरिटी से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप लोग सोचिए कि केसीआर कितना धोखा दे रहे हैं। ये बीजेपी को एब्सोल्यूट सपोर्ट कर रहा है बंदा, ये बीजेपी को यहाँ पर लेकर आकर। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी की नहीं है, ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की, ना क्रिश्चियन की, ना सिख, ना ईसाई, किसी की नहीं है। बीजेपी एक सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी का शुरू से मकसद डेवलपमेंट रहा है, जिसको आप हैदराबाद शहर फिर कर देख सकते हैं। हाईटेक सिटी ले लो आप, अज हाउस ले लो आप, एयरपोर्ट ले लो, बहुत है, गिन नहीं सकते। चंद्रबाबू नायडू ने इतने डेवलपमेंट्स लाए हैं तेलुगु देशम पार्टी की रूलिंग में। और आज मैं आवाम से गुजारिश करता हूं, और आए हुए आवाम को भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम को और इस धरने को बहुत सक्सेसफुल किया है। मेरे साथ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोऑर्डिनेटर जनाब वीरा भाई है मेरे साथ। मैं देखिए, हम साथ में ठहरे हैं, ये हमारी सेक्युलरिज्म है, ये तेलुगु देशम पार्टी की यही तो खासियत है कि हम सेक्युलर है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। వాళ్ళ గద్దెలు కదిలి భయోందాలకు గురవుతున్నారు. మీకందరికీ తెలుసు మీడియా సోదరులు, మొట్టమొదటిగా మీరే మాకు మీరు చెప్పే విషయాల వల్ల మాకు ఎన్నో తెలుస్తున్నాయి. అయ్యా, ఈ దళిత బంధు, రైతు బంధు, బీసీ బంధు, ఈ బంధులన్నీ కూడా వాళ్ళ కార్యకర్తల కోసం పెట్టిన బంధులు మాత్రమే. దీన్ని దళిత బంధు